किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर के दो सफल एवं उन्नत किस्म के बारे में, जिसका पैदावार बहुत ही ज़्यादा होता है और इसको आप कौन कौन से मौसम में लगा सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे इसका जो पहला तुराई होता है, ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिनों में इससे आप पहला तुराई ले सकते हैं, और हम बात करेंगे कि इसका जो फल का आकार होता है वो कैसा होता है, और इसका जो फल का वजन होता है वो कितना होता है। साथ ही हम बात करेंगे इसका उत्पादन कितना होता है। तो इन सारी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान साथियों, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, आज का जो दो टमाटर के वैरायटी को हमने सेलेक्ट किया हुआ, उसमें से पहले नंबर पर रखा हुआ है सिंजेंटा कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी आता है 3150, जो कि बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही ज़बरदस्त हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि अधिक उपज देने वाला वैरायटी है। और यह एक F1 हाइब्रिड किस्म है। अगर हम बात करें किसान साथियों, तो यह एक ऐसा वैरायटी है जिसमें से टोमेटो लीफ कर्ल वायरस और बैक्टीरियल विल्ट जैसे जो घातक रोग होते हैं उनसे यह टॉलरेंस है, यानी कि उससे यह रेसिस्टेंट है। ये दोनों बीमारी इस पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है। अगर हम बात करें इसके पहले तुराई के बारे में, तो 60 से 65 दिन में इससे आप पहला तुराई ले सकते हैं। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके एक फल का वजन का, तो 100 से 110 ग्राम तक का एक फल का वजन होता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके जो फल का जो आकार होता है, तो वो राउंड यानी कि गोला आकार का होता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसका जो अगर मैं जो एक यील्ड के बारे में, उपज के बारे में, तो 30 से 35 MT यानी कि 30 से 35 टन जो उत्पादन होता है प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने रखा हुआ किसान साथियों हाईवेज कंपनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी आता है सत्यम 45, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त F1 हाइब्रिड वैरायटी है। और यह भी ऐसा वैरायटी है जिसको आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीना में लगा सकते हैं। अगर हम बात करें किसान साथियों इसका जो पहला तुराई होता है, तो इसका भी पहला तुराई 60 से 65 दिन में इसका पहला तुराई ले मिल सकता है आपको। अगर हम बात करें इसके फल का वजन का, तो 70 से लेकर 90 ग्राम तक का एक फल का वजन होता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। अगर हम बात करें किसान साथियों इसके जो फल का आकार होता है, तो गोलाकार आकार का इसका फल होता है। अगर हम बात करें इसके फल का जो रंग होता है, तो वह लाल और आकर्षक होता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार और सुंदर देखने में लगता है, जिसको आप मार्केट में आसानी से सेल कर सकते हैं। और इस वैरायटी का एक और ख़ास बात है, इसको आप कैचअप के लिए यूज कर सकते हैं, स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बेस्ट होता है, क्योंकि जो इसका ऊपर वाला छिलका होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी वजह से जल्दी सड़ता गलता नहीं है। किसान साथियों, मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।